ध्वनि, ध्वनि के लाभ, कंपन ये क्या है? इस वीडियो में हम ध्वनि कंपन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्वनि कंपन के लाभ क्या है, ध्वनि कंपन के नुकसान या क्षति क्या है, और ये सब सबूत या साक्ष्य के आधार पर हम तय करेंगे। प्राचीन प्रथाओं से इनका संबंध क्या है, ये भी हम देखेंगे। स्पीकिंग यानी बातें करना, हमारी बातों से निर्माण होने वाला ध्वनि और उसके ध्वनि कंपन शब्द बनकर सुनने वाले तक पहुंचते हैं, और इन शब्दों का जो लहजा है ये महत्वपूर्ण है। धीमी आवाज में जब आप बातें करोगे और बिल्कुल गोल मटोल तरीके से बातें करोगे जो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या दर्शाते हो? आप यही दर्शाते हो कि आपके अंदर आत्मविश्वास का अभाव है। या अगर आप बड़े आक्रामक तरीके से तुच्छतापूर्ण व्यवहार करें और उसी तरीके से बातें भी करें, तो आप क्या दर्शाते हो? आप ये दर्शाते हो कि आप बड़े घमंडी, मगरूर और अहंकारी है। इसलिए जब आप किसी से भी बातें करते हो तो बातों का तरीका, बातों का लहजा, बातों का इस्तेमाल सही तरीके से होना ये जरूरी है। बातें करना यानी दुनिया से संपर्क करना, तो ये संपर्क ठीक तरीके से सही संतुलित स्वरों में और लहजों में होना जरूरी है। आप जब बच्चों से बातें करते हो या पत्नी से बातें करते हो या दोस्तों से करते हो, लहजे पे और शब्दों पे ध्यान देना आवश्यक है। आपका बातें करने का तरीका या लहजा आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। तो बातें करने के वक्त लहजा और तरीका दोनों पे ध्यान देना आवश्यक है। पत्नी जब मुझे पानी पीने के लिए देती है तो ठंडा पानी पीने के अच्छा लगता है, लेकिन मैं कभी आभारी हूँ, धन्यवाद ये शब्द नहीं कहता। वो भी समझ जाती है कि मुझे अच्छा लगा है, लेकिन जब मैं वेस्टर्न कंट्रीज में था तो वहाँ ऐसा तरीका है कि ऐसा कुछ हुआ तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट ये कहने की रीति है। वहाँ अगर आपकी बीवी या पत्नी हो तो उसे थैंक यू हनी ऐसा भी कहा जाता है, या कोई ऑफिस में दूसरी जगह बाहर थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू ऐसा शॉर्ट में कहना ये ठीक समझते हैं, लेकिन शब्द का प्रयोग करना वहाँ जरूरी समझते हैं, आभार वाचक शब्द। लेकिन अपने यहाँ वापस मैं दोहराता हूँ कि जब पत्नी पानी देती है तो अगर मैं पानी पिलाने के लिए बड़े गुस्से से बताता हूँ या बोलता हूँ पानी पिलाओ भाई जल्दी क्या कर रहे हो, तो पत्नी कहेगी भाई आप अंदर जाके पी लो, मैं जरा काम में हूँ। तो यहाँ हमारे यहाँ बात करने का तरीका और लहजा दोनों पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। अगर आप इसको ही बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ स्पीकर, यानी बात करने वाले का रवैया, मनोदृष्टि, इसके तरफ हमारा काफ़ी ध्यान रहता है। बात कैसे की जाती है, बिल्कुल बड़ी आवाज़ में या चिल्ला चिल्ला के या गुस्सा होकर अगर बात की जाती है तो यहाँ पसंद नहीं किया जाता। अगर आप देखोगे तो किसी के भी साथ चिल्लाना, गुस्सा करना, आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करना, अहंकारी मगरूर भाषा का इस्तेमाल करना, डांटना, वो कोई भी हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, कामगार, दोस्त, कोई भी हो, ऐसे भाषा का प्रयोग हमारे यहाँ ठीक नहीं समझते। इससे खटास बढ़ती है, बिल्कुल डर पैदा होता है, और डर सेहत के लिए और आपसी संबंधों के लिए, रिश्तों के लिए बहुत बुरी चीज़ है। भावनाओं का विस्फोट, गुस्सा, नफरत, ये आपकी बातों से नज़र नहीं आना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि जैसे कंप्यूटर के इस ज़माने में डिलीट बटन रहता है कि कुछ कह दिया और अच्छा नहीं लगा तो डिलीट बटन दबा के उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन बातों का ऐसा नहीं है। बात कैसी है, बातें कैसी होती है, जब तीर से, कमान से बाण छूट जाता है
तो वापस नहीं आता। इसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से अच्छी तरीके से करना यह सीखना चाहिए। कब कैसे कभी क्या बोलना, ये सभी का अंदाज़ा हमको होना चाहिए। आपका रवैया, मनोदृष्टि बहुत अच्छी होनी चाहिए। नम्रतापूर्ण कोमलता से बिल्कुल प्रभावी तरीके से बोलना, ये आपको सीखना ज़रूरी है। चिल्लाना, गुस्सा करना, अहंकारी मगरूर भाषा, ये बिल्कुल बर्दाश्त होने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो इसको समझना ज़रूरी है कि लहजा और तरीका और भाषा का प्रयोग दोनों महत्वपूर्ण है। देखिए, संपर्क के दौरान कौन से विषयों का खास ध्यान देना चाहिए। पहली बात ऐसी है कि जब हम किसी के भी व्यवहार, बर्ताव, काम, इन चीज़ों में सुधार लाने की बातें करते हैं तो उसी पे ज़्यादा बात होनी चाहिए, ना कि उस आदमी को भला बुरा कह के उसे अपमानित करना। दूसरी बात ऐसी है कि बड़े ठंडे शांत तरीके से बात होनी चाहिए ताकि सुनने वाले का ध्यान वहीं पे ठीक से लगा रहे और ठीक तरीके से वो बातों को समझ पाए। तीसरी बात ऐसी कि किसी के भी भावनाओं का आदर करना सीखो। हम जो बातें करते हैं ये समझो कि अगर हमें किसी ने ये कही तो हमें बुरा तो नहीं लगेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि कोई भी महत्वपूर्ण बात कहने के पहले बिल्कुल शांति से रुको, ठीक से सोचो और तय करो कि हम क्या बात करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं और इसको ज़्यादा असरदार करने के लिए क्या करना चाहिए, फिर ही बात करना उचित है। ध्वनि क्या है, ध्वनि की संकल्पनाएं क्या है और उसके लाभ क्या है, यह हम देखेंगे। लेकिन पहले यह देखेंगे कि ओम ये शब्द और ओम शब्द का जाप काफी लोग करते हैं, बहुत लोग इसके बारे में जानते भी हैं। लेकिन जो अच्छी चीजें होती है वो अच्छी तब होती है जब ठीक तरीके से की जाए। पानी पीना बिल्कुल आसान चीज़ है, लेकिन हड़बड़ाहट में अगर मैं पी लूँ तो गिर सकता है, कपड़े खराब हो सकते हैं। तो सही तरीका ये महत्वपूर्ण है। ओम कहने का सही तरीका क्या है, बहुत लोग अलग अलग तरीके से इसका उच्चारण करते हैं। मैं खुद इसके बारे में कुछ अभ्यास करके उच्चारण का तरीका बता सकता हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ। उसके पहले कि मैं इसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण दूँ, पहले मैं उसका उच्चारण करके दिखाता हूँ, उसके बाद में उसके बारे में ज़्यादा बातें करेंगे और ज़्यादा समझ लेंगे ये कैसे किया जाता है। टेक अ डीप ब्रेथ। इस तरीके से ओंकार का जप आपने किया तो ये काफी लंबा लगता है, लेकिन ओंकार जप का सही तरीका ये है कि एक सांस में आपका एक ओंकार पूरा होना चाहिए। जब हम ओ और अम कहते हैं तो ये दोनों को कहते हुए उतना ही वक्त लगना चाहिए। इस तरीके से ओम का जाप करना चाहिए। जैसे हम हर दिन इसका अभ्यास करेंगे 20 दफ़ा, 30 दफ़ा, 40 दफ़ा, तो आपको इसको बार बार दोहराने का तरीका समझ में आएगा, जो आपके प्रकृति के अनुसार होगा। हर एक के लिए उसके अपने अपने प्रकृति के अनुसार ये थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जब आपको आपका सही तरीका मिल जाता है तो ओंकार करने के उत्तरार्ध में उच्चारण जब आप करते हो तो आपके मुंह में आपको ध्वनि कंपन महसूस होगा, और ये ध्वनि कंपन बार बार अभ्यास करने के बाद आपके मुंह के साथ साथ
आपका चेहरा, मस्तिष्क और छाती की तरफ भी आपको समझ में आएगा। अब और कौन से तरीके हैं ओमकार के, ये आप समझेंगे। अब ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता। I showed you. ये शब्दोच्चारण मेरे अभ्यास के अनुसार 75-80% ठीक है। और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करनी हो तो YouTube पे मेरा वीडियो देख लीजिए, या हेल्थ सायरन पे भी मंत्रायण हेल्थ, इसके नीचे ये वीडियो उपलब्ध है, वह देखिए। ये उच्चारण और इसका जाप बिल्कुल खुले गले से करना जरूरी है। इसका उच्चारण बिल्कुल निचले स्वरों में यानी बेजल टोन में किया जाता है। अब हम गायत्री जाप के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका बहुत ज़्यादा अभ्यास हुआ है भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। प्राचीन काल से इसका जाप यहाँ चलते आ रहा है। विदेश में तो इसे आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से भी जांचा गया है। एक अमेरिकन शास्त्रज्ञ हैं, उसका नाम है हॉवर्ड स्टेनरिल। इन्होंने तो दुनिया भर के ऐसे मंत्र, जाप, भजन, मंगलाचरण इकट्ठा करके उनके शरीर विज्ञान प्रयोगशाला में इन सभी का परीक्षण किया। उनका अनुमान ये निकला कि गायत्री मंत्र के ध्वनि तरंग सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। इसके पूरे आंकड़े प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन गायत्री मंत्र जाप लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। आप अगर हिंदू हो तो उनमें भी काफी तरीके से किया जाता है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सत् सर्वेभ्यः भर्गो देवस्य धीमहि धियः न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सत् सर्वेभ्यः भर्गो देवस्य धीमहि धियः न प्रचोदयात्। जैसे बुलेट ट्रेन निकलती है बिना रुके, वैसे ही लगता है। फिर हमने अनुराधा पौडवाल, जो प्रसिद्ध गायिका है, उनका भी गायत्री मंत्र जाप सुना है संगीत के माध्यम से। वो गाती है जैसे ओम भूभुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूभुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये संगीत हुआ, लेकिन हम ये समझते हैं, हमारा ये मानना है, गायत्री मंत्र ये संगीत नहीं है। गायत्री मंत्र से जो ध्वनि कंपन होते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। ध्वनि कंपन सही तरीके से हो, सही मात्रा में हो, इसकी बहुत जरूरत है। यही सही तरीका है। इसलिए एक सांस में एक गायत्री मंत्र पूरा होना, ये बिल्कुल सही तरीका है। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गायत्री मंत्र के बहुत बड़े अभ्यासक और अधिकारी व्यक्ति है स्वामी के सुरेश। गायत्री मंत्र जाप करते हुए उन्हीं के स्वरों में हम अब सुनेंगे। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
सही तरीके से किए गए मंत्रोच्चारण से ध्वनि, ध्वनि तरंग और ध्वनि कंपन, इनके संयुक्त शक्ति के फलस्वरूप हर मंत्र में विशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो सकती है। ये क्षमता उनमें रहती है। हमने आध्यात्मिक शक्ति की तो बात की, लेकिन शारीरिक, भावनिक, मानसिक शक्तियां भी जागृत हो सकती है। डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी और उसके आणविक रचना पर काफी प्रयोग किए। पानी के अणुओं पर अच्छे संगीत का या बुरे संगीत का प्रभाव, अच्छी बातों का या बुरे बातों का प्रभाव, ये भी उन्होंने देखा। पानी इस विषय पर हमने काफ़ी वीडियो में बातें की हैं। जब हम हेवी मेटल के जैसे धमाकेदार संगीत चलाते हैं और जैसे इमेजिन बाय जॉन लेनन जैसा शास्त्रीय संगीत चलाते हैं, तो पानी के गिलास पर पानी के अंदर काफ़ी अलग अलग प्रभाव नज़र आते हैं। जब आप धमाकेदार संगीत चलाते हैं तो पानी की अणुरचना विकृत और गंदी नज़र आती है, और जब हम शास्त्रीय संगीत चलाते हैं इमेजिन बाय जॉन लेनन के जैसा, तो प्रभाव ऐसा होता है कि पानी की अणुरचना सुंदर क्रिस्टल के रूप में तब्दील हो जाती है। पानी पर लिखित शब्दों का पड़ने वाला प्रभाव, इस पर भी डॉक्टर साहब ने एक प्रयोग किया। उन्होंने कागज पे थैंक यू लिखा, दूसरे कागज पे टिबेटियन सूत्रा लिखा और तीसरे कागज पे ची ऑफ लव लिखा, और ये तीनों कागज के ऊपर एक एक पानी का गिलास रख दिया। तो हुआ ये इन शब्दों का अर्थ पानी के अणुओं के अंदर समा गया और बहुत ही सुंदर आणविक संरचना के रूप में तब्दील हो गया। फिर उन्होंने फुजियोरा डैम जापान यहाँ एक प्रयोग किया था। उन्होंने 40 लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाया था। प्रार्थना के पहले के पानी को जांचा गया और प्रार्थना के बाद के पानी को भी जांचा गया। प्रार्थना के पहले जो पानी था वो बिल्कुल गड़बड़ लग रहा है, वही पानी, उसी पानी के अणु जब प्रार्थना के बाद जांचे गए तो बिल्कुल सुंदर पैटर्न में दिखाई दिए। पानी, पानी के अणु जब ऊर्जा और जोश से भर जाते हैं तो वे जीवन देने वाले नमी से भरे हुए अपने मूल स्थिति में परिवर्तित होते हैं, सुपर मॉइस्चराइजिंग स्टेट। पानी के ऊपर कंपन का प्रभाव अच्छा या बुरा दोनों पड़ सकता है। कंपन का प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरीके का हो सकता है। पानी के ऊपर काफी चीजों का प्रभाव पड़ता है, जैसे संगीत, बातें या कोई आवाज, पक्षियों का आवाज, झरने का आवाज, पानी बहने का आवाज, हवा का रुख या आवाज, इन सभी का प्रभाव पानी के ऊपर पड़ता है। तो जब पानी इस ऊर्जा और नमी से भरे सकारात्मक स्थिति में होता है तो वह जिस जिसके संपर्क में आता है, चाहे वह इंसान का शरीर हो, पालतू जानवर हो या पेड़ पौधे हो, सभी को बेहतर गुणवत्ता प्रदान करता है। पानी के इस अवस्था में ज्यादा से ज्यादा नमी का शरीर के कोशिकाओं में अवशोषण होता है। शारीरिक उपचार, रखरखाव, स्वास्थ्य और प्राण शक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है। पानी का नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। हमने पानी इस विषय का काफी अभ्यास किया है। मंत्र, मंत्रोच्चारण और ध्वनि कंपन, इन विषयों का भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए अब हम जानते हैं कि पानी जीवन का और जीवन शक्ति का अविभाज्य अंग है। हम ये जानते हैं कि प्रार्थना, संगीत, कहे गए या लिखे गए शब्द, इनका प्रभाव पानी पर पड़ता है। हम ये भी जानते हैं कि अपने शरीर में 70% पानी होता है। पानी के आणविक रचना पर अपने भावनाओं का भी काफी असर होता है। सारांश में, पानी का अपने पूरे जिंदगी पर, रहन सहन पर, अपने रख रखाव पर, सोच विचार पर, क्षमताओं पर, ये समझो कि पूरे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। ध्वनि, शब्द, बातें, भावनाएं, इन सभी चीजों का अपने अंदर के पानी पर प्रभाव पड़ता है। जाहिर है अपने जिंदगी पर भी ये प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जिंदगी से ही जुड़ा हुआ है। डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने दो समान बर्तन लेके उनके अंदर उबले हुए चावल रखे और उन्हें हवा बंद कर दिया। दोनों बर्तन एक ही परिस्थिति में, एक ही रोशनी में रखे थे। अब एक के ऊपर लिखा था आई लव यू, दूसरे ऊपर लिखा था यू फूल,
और 30 दिन लगातार उन दोनों बर्तनों के सामने आकर एक के सामने वो कहते थे, आप बड़े अच्छे हो, बड़े मीठे मीठी प्यारी प्यारी बातें करते थे, और यूफुल लिखे हुए बर्तन के सामने आके कहते थे कि आप बेवकूफ हो, अच्छे नहीं हो। फलस्वरूप हुआ ये कि 30 दिनों के बाद आई लव यू लिखे हुए बर्तन के चावल काफी सफेद रह चुके थे, लेकिन दूसरे बर्तन के चावल जिसपे यूफुल लिखा था काले पड़ गए थे। इसका मतलब सीधा है, नकारात्मक या सकारात्मक भावनाओं का असर कैसे होता है यह इसमें दिखता है। यहाँ हमने ये जानना चाहिए कि बातों का असर लोगों पर बहुत पड़ता है। गलत भाषा, चिल्ला के बात करना, भावना विस्फोट को ऐसी बातें करना, ऊंचे आवाज से, अहंकार से बातें करना, मगरूरी से पेश आना, इन सबसे मानसिक हानि होती है और जबरदस्त आघात पहुंचता है। इस तरीके से हम बातें करते रहे तो बिल्कुल नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। परिणाम क्या है बातों का और ध्वनि कंपनों का? परिणाम कहे गए शब्दों का असर काफी होता है। ध्वनि कंपनों का प्रभाव शरीर के कोशिकाओं पर और उनके कार्य शक्ति पर भी होता है। शांत सरल कंपनों का सकारात्मक परिणाम होता है धमाकेदार संगीत, ध्वनि प्रदूषण, ऊंचे लहजे में की हुई बातें, ऐसे तीव्र ध्वनि कंपन के नकारात्मक परिणाम होते हैं। संगीत से निर्माण होने वाले कंपन का इंसान के मन पर और शरीर पर प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल से चला आया शास्त्रीय संगीत, प्रार्थना का प्रभाव, मंत्र शक्ति या ध्वनि की गूंज, इसका तन मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मंदिर में जो घंटानाद होता है उसके स्पंदन अपने मन और शरीर को छूते हैं। इस पर काफी संशोधन भी किया गया है। हमारी प्राचीन विरासत, हमें प्राचीन विरासत से क्या मिला है, क्या पाया है हमने? हिंदुओं में चित्रावती की प्रथा है जो भोजन के पहले शरीर और मन को शांति और स्थैर्य प्रदान करती है। प्रार्थना, संध्या क्रिया और पूजा, इनका इंसान पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सामूहिक प्रार्थना की शक्ति, इससे हम तो काफी परिचित है। प्रार्थना के प्रभाव से पानी के स्रोतों का शुद्धिकरण किया जाता है, वो अपने आप हो ही जाता है। मंत्र शास्त्र ये एक बहुत प्रभावी शास्त्र है, ये ऐसी वैसी बात नहीं है। मंत्र शक्ति का परिणाम पानी पर, इंसान के शरीर पर और अंतरिक्ष पर भी पड़ता है। संक्षेप में ध्वनि और ध्वनि कंपन ये बहुत प्रभावशाली है। शरीर पर उपचारात्मक परिणाम ये कर सकता है। मंत्र शक्ति का प्रभावी इस्तेमाल उपचारात्मक औषधि के तौर पे हो सकता है। मंत्रोच्चारण का परिणाम पानी के अणुओं पर होता है और ये हमने फुजीवारा डैम के प्रयोग में देखा है। प्राचीन काल से हमें इन सभी बातों का ज्ञान है, इसलिए ध्वनि और ध्वनि कंपन, इनका महत्व हमें समझना चाहिए और इनका आदर भी करना चाहिए। अपने दायरे में रहकर ध्वनि और ध्वनि कंपन का उपयोग जीवन शक्ति बढ़ाने में होना चाहिए। पानी में प्रभावी उपचारात्मक क्षमता है और औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। कहे गए या लिखे हुए शब्द, भावना, इनका असर पानी पे होता है। प्राचीन काल से हमें इसकी जानकारी है, इसलिए इस सभी का हमें महत्व समझकर आदर करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल भी करना चाहिए। सारांश में हमने ध्वनि को समझा, ध्वनि कंपनों को समझा। हमने ये देखा कि कैसे कहे गए शब्द और भावना, इनका पानी पर असर पड़ता है, क्योंकि शरीर में 70% पानी है, इसलिए शरीर पर इसका काफी असर पड़ता है। ध्वनि और ध्वनि कंपन, इनका प्रभाव अपने शरीर पर हम सोच भी नहीं सकते कि इतना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पड़ता है। अपने निजी जिंदगी में इन सब चीज़ों का अगर हमने ठीक तरीके से इस्तेमाल किया और सही संतुलित तरीके से हम सही लहजे में बातें किए लोगों से, सही स्वर में, सही ध्वनि कंपन से, ठंडे दिमाग से, अपनी भावनाओं पर काबू रख के, तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। Thank you.
What we are going to demonstrate now, just before the ending of this video, is that the power of sound, the effect of vibrations, can move animals as well. Let us see what we have here. The animals in a German zoo were depressed and never left their dens. This happened during the pandemic. Nobody went there anymore, neither children nor adults. And the zoo remained desolate for months. The animals appeared depressed. Then the zoo called this pianist to play for them. And just see what happened and how it transformed the animals. I believe effect of sound and vibrations. Enjoy this video. अभी थोड़ा सा मेरे बारे में, मैं पुणे में होता हूँ, एक्यूपंक्चर निसर्ग उपचार का क्लिनिक चलाता हूँ, सूर्य नमस्कार सिखाता हूँ। हमें सिखाने के लिए 8 घंटे लगते हैं, 8 हफ्ते में, हफ्ते में एक बार 1 घंटे का क्लास होता है हमारा। सूर्य नमस्कार 70 प्रकार के लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी है और उस हिसाब से हम हर व्यक्ति को जितना उनका उनकी कुवत है, उनकी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से हम सिखाते हैं। हम निसर्गोपचार को साइंटिफिक बेसिस पे लाने की कोशिश जारी है। मैं शिवाम्बू का तज्ञ होने के नाते शिवाम्बू का प्रचार करता हूँ। गए 4-5 सालों से मैं ऑनलाइन क्लिनिक लोगों को फायदा करने के लिए मदद की हिसाब से करता हूँ। अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करे और मैं उनसे सलाह जरूर दूंगा। आजकल 4-5 सालों से पूरे विश्व में लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और काफ़ी लोगों को फायदा हो चुका है। अभी जो मैं ये मालिका चल रही है, ये 2 महीने से चल रही है और आप लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया है। उस प्रतिसाद के हिसाब से हमारा भरोसा बढ़ गया है और अभी हमें लगता है कि हम अगले 2 महीने के जो ये मालिका चलती रहेंगी, हर हफ्ते में 1 वीडियो, उसका भी आप फायदा लोगे और अपनी तबीयत तंदुरुस्त होने के लिए, निरोगी रहने के लिए, निरोगी बनाने के लिए कोशिश जारी रहेगी, ऐसी उम्मीद है। यहाँ मैं आप समाप्त करता हूँ और 1 हफ्ते में फिर मिलेंगे। नमस्कार। स्वास्थ्य के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके आभारी हैं। यह मालिका 15 से 22 भाग की है। इसमें अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए मदद होगी। ये मालिका आपको ज्ञान और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मार्गदर्शक बनेगी। हमारी ऑनलाइन शैक्षणिक और सपोर्ट सुविधा आपके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रस्तुत है। आपके संबंधित प्रश्न ईमेल कीजिए। आपको संक्षिप्त में हेल्थ सायरन की खबर और हमसे जुड़ने की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। Download app Health Siren for all health solutions at your doorstep.